आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ TV31 न्यूज नेटवर्क में। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। हाय, गुड इवनिंग। मैं अभिनव इंस्पेक्टर हूँ। मैं आने जैसे ये PS में जो राउडी शीटर है, वो लोगों को वीकली ट्वाइस दो बार मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, एक ट्यूसडे और सैटरडे से। इस कंटिन्यूशन में आज सुबह पूरा राउडी शीटर बुलाया, जितना राउडी शीटर उतना बुला के काउंसलिंग करा, तो वार्निंग भी दे दिया। कुछ एरिया में नहीं, किधर भी कुछ इंसिडेंट करे तो आज पर लाए एक्शन ले लेते, कुछ अफेयर है तो पीडियाट लगा के जेल भी भेजा था, बोल के बोला कुछ भी नहीं होना, बोल के वो लोग वार्निंग दे दिया। डेली नाइट में एंड डे में दो बार इसके घर के जाके हमारा स्टाफ चेक कर रहे, ये कंटिन्यू चलते रहते। सर, अब ये जो लॉकडाउन की कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है ना सर, अभी चेक पोस्टों पे जो पब्लिक का रुझान है सर, आज जरा ज़्यादा ही देखा जा रहा है सर, उस तालुक से क्या बोलना चाहिए? कितने केसेस बुक हुए सर? नो, ज़्यादा नहीं दिख रहे, टाइमिंग से गाड़ियाँ बढ़ते रहते हैं, नहीं तो कम होते। ये इवनिंग टाइम में जो एग्जेम्पशन है, जो फासेस है, वो लोग इवनिंग टाइम काम कंप्लीट करने के बाद ये टाइम पे जरा मूवमेंट रहता। सुबह जैसे ऑफिस चले जाते ना, रिटर्न आने वाला नहीं तो काम जाने वाला आने वाला, दो इवनिंग में जरा थोड़ा 1-2 मूवमेंट, वो भी परमिशन है जो व्हीकल आप दिख रहे हैं अब तो, अदर विदाउट परमिशन व्हीकल एक भी नहीं दिख रहा। अगर मैक्सिमम ये चेक पोस्ट में नहीं, एक एक PS में अंतर, अगर मेरा नॉलेज पे 100-150 केसेस बुक कर रहे, व्हीकल सीज कर रहे, अननेसेसरली जो रोड पे आता ना व्हीकल सीज कर रहे, इसको फाइन भी डाल रहे, अगर वांटेड कुछ कर रहे तो FIR भी हो जाता। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं TV31 न्यूज़ नेटवर्क में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।